वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो का मैंने एंड किया था पिछले वीडियो में, तो यहीं से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मैगी बन रही थी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे आप सबको कि हमारे शेफ यानी कि लक्ष्मी शेफ में बहुत सारी कमियाँ, यानी कि बहुत सारी कमी में पहली कमी आती है कि संयम की कमी है। तो ये बात सही है कि मैं ना थोड़ी संयम वाली तो नहीं हूँ, मुझे है ना हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए होती है, जल्दी से जल्दी बनाना होता है। लेकिन इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए, और ये समय और वक्त मुझे सिखा दे रहा है कि संयम और वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि आप सबने देखा है कि और यूट्यूबर्स के तो सिल्वर बटन आ गए, हम वहीं के वहीं हैं क्योंकि हमने काम ही नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए आज संयम अगर रखते रखते, अगर आप संयम रखना नहीं जानते तो भगवान आपको सिखा देते हैं कि संयम क्या चीज़ है। मेरे पति देव बोल रहे थे कि मेरे छोटे शेफ में है ना थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की कि भाई अपना काम करने में बहुत उतावलापन है। जब मुझे भूख लगी होती है ना तब यही होता है यार, मुझे इमरजेंसी वाली भूख लगती है। आपको लगती है इमरजेंसी वाली भूख? ये मेरी मैगी रेडी हो गई, अब गुआवा का जूस लूँगी। रात के 2 बजे बताओ मैगी खाई जा रही है, मतलब खाना बिल्कुल कम ही हो चुका है मेरा। खाने की जगह अब मैं यही सब खा रही हूँ, ऐसा नहीं है यानी कि मैंने बाहर का बहुत कम कर दिया। बाहर का मैं नहीं खाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ तो बाहर का मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैंने कोशिश करना ये चालू किया है कि मैं घर का खाऊँ, जितना भी खाऊँ। मुझे अगर कुछ बनाने यानी कि कुछ बाहर जैसा खाने का मन हो रहा है तो मैं घर पर ही बना लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि वरना आप लोग बोलें कि लो रियल का जूस पी रही हो तो ये तुम घर पे नहीं बना रही हो, तो ये बहुत टाइम पहले ही मंगाया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा मैगी के साथ कुछ पी लिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पी रही हूँ जूस। आधी रात में मुझे भूख लगी क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो रोटियाँ रात में खा नहीं रही हूँ, चावल खा रही हूँ थोड़े से। मैंने चावल खाए, फिर थोड़ी देर बाद चावल खाए, फिर मुझे और रात में भूख लगी क्योंकि बेबी फीड करता है। अब भूख इतनी ज़्यादा तेज लगी कि अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे भूख लगती है। तो 4-5 बजे मैंने क्या किया, मैंने अपना बनाया, मेरा जो खाना रखा था मैंने वो उठाया, मैं गई कोल्ड ड्रिंक रखी होगी, मैंने खोल के कोल्ड ड्रिंक पूरी बेड पे फैल गई। बताओ तो आधी रात में, मतलब सोचो आप। फिर मैंने सोचा पति मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं नहीं उठाती, अभी गीले में ही लेट जाती हूँ, फिर मैं गीले में सोई हूँ। तो सोचो ये आजकल है ना मेरे से इतनी सारी गलतियाँ हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी हड़बड़ी में काम करती हूँ अपना, अभी भी मुझे काम करना है तो वीडियो बनाने के चक्कर में एक चीज़ हो जाती है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो टाइम वेस्ट, अभी जैसे मैं आपसे सॉरी टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगी, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो मेरा टाइम मेरे काम में लगाना चाहिए वो चीज़ मैं बात करने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो चलो अब मैं ना सीधा अपना काम करूँगी और काम करते करते आपको वॉइस ओवर कर दूँगी। तो चलो अभी के लिए बाय बाय। मैं आप सबसे बात करते करते फाइनली कहाँ आ गई, मैंने बोला था ना कि ये वीडियो बहुत खास स्पेशल होने वाला है, तो हम आ गए हैं तिरुपति बालाजी। यहाँ पे हम आए हैं बेबी का मुंडन कराने, और आप बेबी का मुंडन कब कब कराते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो हम आए हैं बेबी का मुंडन कराने, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, वो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, और फिर मैं आपको एक वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। तो हमने अपनी बेबी का मुंडन कराया था नवरात्रि के 3रे दिन में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने नवरात्रि में ही प्लान बनाया था। अटेंडम हमारा प्लान बनाता है कि हम जाना है तिरुपति बालाजी मुंडन कराने के लिए, और हम तिरुपति बालाजी के लिए पहले से एडवांस टिकट बुक करने पड़ते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर दर्शन जो होते हैं उस टाइम पर नवरात्रि के टाइम हर टाइम पर ही भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमने जब टिकट के लिए किया तो टिकट ही मिला, और हम जब यानी कि तिरुपति बालाजी पहुँचे तो कहते हैं ना जब भगवान जी आपको बुलाते हैं तो दर्शन ज़रूर मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे जीन्स और टॉप अलाउ नहीं था, लेकिन कहते हैं भगवान सब कुछ आपको जब बुलाता है दर्शन देने होते हैं ना तो सब कुछ सारी चीज़ें कर देते हैं। तो मैं जीन्स टॉप पहन के गई थी, जिसमें हमें बाद में पता चला कि जीन्स टॉप अलाउ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें दर्शन के लिए मना नहीं किया। और जो यानी कि 1 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं यानी 1 साल का जो बच्चा नहीं हुआ होता है तो उनको दर्शन फ्री हो जाते हैं, लेकिन जो हमने टिकट पता किया तो वो 10,000 प्लस 500 एक कैंडिडेट का दर्शन का था वहाँ पर।
तो हम डर गए थे कि पता नहीं इतना तो हम नहीं कर पाएंगे और दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं ना भगवान सब कुछ कराते, तो भगवान ने हमें दर्शन दिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें तिरुपति बालाजी के, और आप बिलीव नहीं करोगे बिल्कुल फ्री में दर्शन हुए। और हमने बस यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम जो लगी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी, सारी चीज़ें मतलब आप पहाड़ों पे भी जा रहे थे तब भी गर्मी ही लग रही थी, और यहाँ पे जो आपकी सेफ्टी यानी कि हर चीज़ में चेकिंग होती है यहाँ पे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अंदर अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो बहुत अपने रिस्क पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी कि जहाँ पे सिक्योरिटी को लेके मुझे लगी कि एक दूसरे को धक्का मारते हैं लोग गंदे तरीके से, और मतलब जब आप बच्चे के साथ होते हो तो थोड़ा सा डर लगता है, जो कि मुझे यहाँ पे अंदर की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। बाकी तो सारी चीज़ों में बहुत ही बेस्ट था, तिरुपति बालाजी में मज़ा बहुत आया, दर्शन अच्छे से किए, और नेक्स्ट डे हमने पद्मा मैया के दर्शन किए थे, हमने ये 5 दिन का टूर बनाया था जो कि हमने बहुत ही अच्छे यानी बहुत ही मज़ेदार ये हमारा ट्रिप था, और आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि कितनी हम लोगों ने मस्ती की थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी के, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो जय हो तिरुपति बालाजी महाराज की, और धन्यवाद भगवान जी कि आपने हमारे इतने अच्छे भव्य दर्शन कराए, हमने इतने आराम से दर्शन किए वहाँ पे, और हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मतलब ये चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि भगवान है ना, सब भगवान की मर्जी से होता है, सब भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, यहाँ पे फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, आप और मंदिर वगैरह जाते हैं तो फ़ोन आप रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। और यहाँ पे बॉयज ओवर करते करते हमारे जो भाई साहब है ये बिल्कुल मुझे कोई काम नहीं करने देते, इसी वजह से मैं कोई चीज़ नहीं कर पाती हूँ। और ये फाइनली हम तिरुपति बालाजी पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पैदल अब जाना पड़ेगा, और ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि आप फ़ोन आप हमारे यहाँ पास रख दो, तो मैं फ़ोन नहीं रखना चाहती थी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट का थोड़ा इशू था, मैंने सोचा लॉकर में ही रख दूँगी वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे तो गेट नंबर ये बता रहे थे भैया कि ये वाला गेट नंबर से आप जाओगे तो पास पड़ेगा, तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने दर्शन के लिए, और आप सब भी यहीं तक दर्शन थे अलाउ, और उसके बाद हमारा फ़ोन जो था वो जमा हो गया था। और अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।